हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मिनी गेमिंग। तो मिनी गेमिंग में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रो कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, भाई लोग मैं लाइव चैट में कुछ दिन पहले बताया था कि सुबह भोर में नहा लीजिए ठंडी के दिन में तो प्रो आप बन जाएंगे। तो भाई लोगों को मजाक कर रहा था, एक लड़का मेरे को कमेंट भी कर दिया, भाई मैं सुबह नहाया था बट प्रो नहीं बन पाया। तो ओ मेरे भाई, ऐसे प्रो नहीं बनते हैं। अगर आपको प्रो बननी है तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई, एंड यार स्किप बिल्कुल मत करना। स्किप कर दोगे तो भाई इधर उधर हो जाएगा आपका एम, माइंड वाला एम भाई। और यार इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसा टिप्स बताऊंगा जो कि यार बहुत से बंदे गलती करते हैं, इसलिए वो पिट जाते हैं सामने वाला से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ यार चैनल में नए आते हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर ठोक देना। भाई लोग, बहुत से बंदों को हम देखते हैं यार खेलते हैं उनके साथ वन वर्सेस वन, या फिर मैं जब खेलता हूँ बैटल में तो यार देखता हूँ यार बंदे डर के इतना भागते हैं भाई सामने वाले से कि भाई उसका लेवल ज़्यादा है भाई, वो हमको मार देगा। तो भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उस बंदे के पास भी 2 ही हाथ है और 2 ही पैर है, और उसको भी उतना ही गन मिलता है जितना आपको मिलता है। चाहे अगर उसका लेवल अप होगा तो उसको डुअल गन मिल सकता है, बट यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप सामने वाले से डर गए तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए भाई आपके ऊपर। अगर आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे कि भाई सामने वाला मुझसे कमज़ोर है तो भाई उसको जरूर हरा सकते हो, बट यार इतना भी कमज़ोर मत समझना। सामने वाले को अपने से ज़्यादा ताकतवर कभी नहीं समझना चाहिए, ओके गाइस? क्योंकि यार मिनी मिलिशिया में मैं बहुत बार देख चुका हूँ यार सामने वाले बंदे डर जाते हैं कि भाई उसका लेवल बहुत ज़्यादा है तो यार हम उसको कैसे मार सकते हैं। आधे बंदे तो ऐसे ही मर जाते हैं भाई, सामने लड़ने जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता यार खुद पर, तो पिट जाएंगे ही। इसलिए यार मैं आपको एक बात बता रहा, अगर यार आपको पीरो खिलाड़ा बनना है तो पहली बार ठान लो यार तुमसे खतरनाक कोई नहीं भाई। ये बात अगर आप नोटिस कर लोगे तो यार एक ना एक दिन आप जरूर प्रो बन जाओगे। इसीलिए भाई सामने वाला बंदा से आप बिल्कुल मत डरे, ओके गाइस? और यार दूसरी पॉइंट ये है कि भाई देखता हूँ कि बंदे मेले के जब यूज़ करते हैं तो भाई बंदा उसके कुछ मीटर दूर रहता है तभी ये भाई सब वो अपना मेले का यूज़ करते हैं। तो भाई इस वीडियो में आप देख लीजिए भाई, स्लो मोशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप मेले का यूज़ बंदे के करीब आकर करोगे तभी बंदे के ऊपर लगेगा, नहीं तो यार आपकी एम जो है ना, जब आप मेले यूज़ करते हो और बंदों को पिटते हो तो यार गोली का जो एम है ना वो इधर उधर होता है जब मेले यूज़ करोगे, तो भाई देख लेना आप ध्यान से, और नहीं तो यार आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो स्लो मोशन में एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके। तो भाई लोग, अगर बंदा आपके पास चिपका हुआ रहे तो ही आप मेले का यूज़ करें, नहीं तो यार ऐसे बंदा यार आपसे पता नहीं यार कितना 100 किलोमीटर दूर है, आप मेले यूज़ किए जा रहे हो और गन भी चला रहे हो, तब तो यार उसको तो यार एक भी गोली आपका लग नहीं रहा है, क्योंकि यार आप मेले यूज़ कर रहे हो तो आपका एम इधर उधर जा रहा है और वो बंदा आपको ठोक दे रहा है सारा गोली। तो भाई लोग प्लीज़ यार, अगर बंदा आपके सटा हुआ हो तो ही यार आप उसको मेले मारे। और यार तीसरा पॉइंट ये है कि यार बहुत से बंदे को देखता हूँ भाई लोग क्या रस करते हैं भाई, मतलब भाई आगे पीछे देखते नहीं है और भाई रस में घुस जाते हैं। तो यार अगर ऐसे आप रस में घुसोगे तो हमेशा पिटोगे। अब भाई ऐसा नहीं कहना है कि भाई बैठ जाओ और पता चले कि पूरा गेम ओवर हो जाए और आप रस करो ही नहीं, एक मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप लोग यार देख कर रस किया करो, ओके? अगर सामने वाले बंदे के पास आपसे कमज़ोर गन हो तो ही आप उस पर ढाबा बोलो या फिर हल्ला बोलो, नहीं तो यार उसके पास आपसे तगड़ी गन हो तो आपको लपेट सकता है। तो प्लीज़ यार रस बिल्कुल भी ना करें, सोच समझ कर ही रस करें। तो दोस्तों, इन तीनों में से सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि भाई अगर आप सामने वाले से डर गए तो भाई कुछ नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ यार सामने वाले से आप लोग डरा मत करो भाई, वो अगर ज़्यादा लेवल पर है तो भाई आप भी दिखा दो यार उसको। अगर आप पहले ही डर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा और आप बंदे को मार नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर ठोक देना, एंड यार चैनल में नया आता हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड टेक केयर।